अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र साहब, गाढ़ा बिरादरी के बहुत ही शानदार शख्सियत है। आज हम इनसे जो इन्होंने जामियतुस्सालेहात जो कॉलेज बनाया हुआ है लड़कियों के लिए, उसी के बारे में जानने आए हैं और उसी के बारे में जानेंगे। आप हमें डॉक्टर ज़फ़र साहब अपने मदरसे में घुमाएंगे और बताएंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ है और कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है लड़कियों के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है एक ग्रेजुएशन कॉलेज की लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है, मेरठ जाना पड़ता है एक ग्रेजुएट करने के लिए लड़कियों को। लेकिन डॉक्टर ज़फ़र साहब ने अपनी मेहनत से ऐसा एक कॉलेज खड़ा किया है इकले में, जिससे लड़कियों को बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और यहीं रह के वो अपने ग्रेजुएशन कोर्स कर सकती है और अनपढ़ होने से भी बच सकती है, क्योंकि दीन तालीम पूरी हर तरीके से सभी तरीके के मौजूद है या अवेलेबल है इस मदरसे में। चले डॉक्टर साहब, आप हमें मदरसे के घुमा दीजिए, कौन सी लैब है जी और कौन से कंप्यूटर लैब है, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है मदरसे में, जो लड़की जाने वीडियो देखे या कोई भी जी माता जी पिता जिसके अब्बा देख रहे होंगे वो ज़रूर अपने लड़कियों को भेजें मदरसे में, क्योंकि यहाँ से आसानी से एग्ज़ाम भी यहीं हो जाते हैं और पूरा कोर्स अवेलेबल है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अपने यहाँ ये से। दो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जी यहाँ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल स्टाफ रूम है ये। जी ये आपका रूम है, मैनेजर रूम, जहाँ से पूरा हाँ हिसाब किताब देखते हैं डॉक्टर साहब। जी, अब कंप्यूटर लैब दिखा देते हैं आपको, ये जामियतुस्सालेहात मफजल का। लाइब्रेरी है। जी ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का वो दिखा दीजिए। आइए डॉक्टर साहब, साथ चलो, आप बताते रहो यहाँ से क्या क्या किताब। जी ये लाइब्रेरी है जामियतुस्सालेहात की, जहाँ पे हर तरह की किताब मौजूद होगी, अगर सभी जानकारी के लिए सारी किताब मौजूद है। डॉक्टर साहब बताएंगे थोड़ा कौन कौन सी हाँ, किताब है। यहाँ ये सब डिक्शनरी है, जी ये कंप्यूटर की किताबें हैं, ये तारीख और बहुत सारे उर्दू के मजमून हैं, ये उर्दू हिंदी इंग्लिश वगैरह सब कुछ इनके अंदर है, जी और ये सब जो है मुख्तलिफ मौजुओं पर किताबें सब रखी गई हैं, और ये सब शायरी से मुतालिक हैं जी जो। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये जो सामने फोटो देख रहा हूँ, ये VHP विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी हैं, जी, इनसे मुलाकात के वाक्य में थोड़ी रोशनी डालिए, कहाँ का है जो आपको सम्मान कर रहे हैं। ये परिषदगढ़ में एक बार शहीद भगत सिंह का एक स्मारक बनाया गया जी था, तो वहाँ मैं भी मौजूद था, तो जी वहाँ मुझे इसमें सम्मानित किया गया। बहुत बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये चीज़ देख के। और हाँ, ये जो दूसरे वाले तस्वीर में है, दूसरे वाले हैं, ये मेरठ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं जी और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, जी और जी एक दूसरे तीसरे नंबर पर जो है अल्पसंख्यक के एजुकेशनल सोसाइटी के ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, ये सब ये माशाल्लाह। मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर ही मुझे मेडल दे रहे हैं। जी जी और अगली पिक्चर में जो अगली है, सिर्फ मैं, ये पांडे जी हैं जो यहाँ मेरठ में DMO थे, जी और मीम अफजल साहब हैं, और ये मेरा फोटो है, आगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये जी जी अफजल साहब हैं, बहुत आला। और ये अम्बेडकर हैं, ये डॉक्टर फखरुद्दीन अली जी जाकिर जी हुसैन हैं, और ये जो पुलिस साहब बैठे हैं डॉक्टर जफर ये साहब के साथ। तिवारी थे, जी जी तिवारी जी थे, मैं यहाँ परिषदगढ़ में बाद में CEO भी बने, जी ये उनके साथ जी थे। आइए दूसरा रूम देख लेते हैं, कंप्यूटर लैब भी बनाई हुई है जामियतुस्सालेहात मदरसे में डॉक्टर साहब ने, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। कंप्यूटर लैब में क्या क्या डॉक्टर साहब ने इंतजाम कर रखे हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए, बहुत शानदार। दिखा दीजिए भाई लाइब्रेरी, ये ये कंप्यूटर कंप्यूटर लैब। की लाइब्रेरी है जी और कंप्यूटर है सब, ये सब बहुत मौजूद है। शानदार, आपने माशाल्लाह बंदोबस्त किया है कॉलेज में और बहुत ही शानदार लग रहा है आपके जामियतुस्सालेहात कॉलेज के कंप्यूटर लैब को देख के। ये कंप्यूटर लैब है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कोई भी अगर ग्रेजुएशन करने आता है मदरसे में, ऐसा नहीं है उसे कुछ एक वही नॉलेज दी जाएगी जिसकी ज़रूरत ना हो, कोई लिमिटेड नॉलेज नहीं है, लिमिटेड पढ़ाई नहीं है। डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं हर तरह की पढ़ाई, इकला में रहने वाली लड़की प्लस जो भी बिरादरी के आसपास गांव गांव में रहने वाली लड़की है, उन्हें हर तरीके की तालीम दी जाए। डॉक्टर साहब का ये कदम है और बहुत ही सराहनीय है, मेरी तो दुआ है अल्लाह से डॉक्टर साहब को बहुत ही कामयाब और तरक्की हाँ, दे, क्योंकि हमारे दिल में ये चीज़ अभी से आती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने खड़ा कर रखा हुआ, हमारे बड़ों ने वो चीज़ खड़ी कर दी है पहले, ये हमारे मन में ख्याल रखते हैं, हमारे डॉक्टर साहब ने वो चीज़ खड़ी कर दी अब हमारा तक। जो है जामे उर्दू अलीगढ़ से ग्रेजुएशन तक की उर्दू तालीम है, जी वो सेंटर है, यहीं NIS का सेंटर है जो इंटर तक है, नेशनल कौन वो है अपना कौन नेशनल ओपन स्कूल, जी जी मदरसा बोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएट तक है, और UP बोर्ड से हाई स्कूल तक है, जी ये सब है। आइए थोड़ा और घुमा दीजिए,
जामे तो साल यार कॉलेज में घूम रहे हैं हम डॉक्टर जफर साहब के साथ, यार जो यहाँ के फाउंडर और मैनेजर हैं। ये कितने कमरे होंगे जी आपके कॉलेज में? टोटल मिला के 20 कमरे हैं। 20 कमरे हैं पूरे कॉलेज में इसमें, जहाँ पे आपने देखी होगी कंप्यूटर लैब भी है और एक लाइब्रेरी भी है, बहुत ही शानदार लाइब्रेरी जहाँ हर तरह की किताब जानकारी के लिए मिल जाती है। साइंस लैब भी है, दो साइंस लैब हैं और बताया जाए ये साइंस लैब है, ये होम साइंस लैब है। डॉक्टर साहब ने बताया 350 लड़कियाँ पढ़ती हैं यहाँ पे, और कितने टीचर बताए डॉक्टर साहब? 19 टीचर हैं, सारे काबिले तारीफ टीचर हैं, काबिलियत से भरे हुए टीचर हैं। और आपके तो ज़्यादातर जो बिरादरी है हमारी गाढ़ा बिरादरी के परिवारों में से, और बहुत लड़की पढ़ती हैं ऐसा नहीं है। हमें तो बड़ा अच्छा लगा जब जाना कि यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, वरना पता नहीं कहाँ जाता सेंटर, बिरादरी से तो आउट ही हो जाता क्षेत्र मेरठ से। लेकिन ऐसा लगा भाई हाँ डॉक्टर साहब ने ऐसा कदम उठाया है जिसका हम कभी कभी सोचते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया लिख के चल रहे हैं। इंशाल्लाह आज इतना है, आने वाले कल में इनके बच्चे हम ही बच्चे हैं और हम इंशाल्लाह और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उधर शोभा दीनियात है, आए शोभा दीन दिखा, शोभा दीनियात डिपार्टमेंट को ही शोभा कहते हैं। अच्छा अच्छा, डिपार्टमेंट को ही शोभा कहते हैं। शोभा दीनियात आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे पूरा हिसाब है। इधर से मदरसे का एक व्यू दिखा दीजिए डॉक्टर साहब के, जो कॉलेज है जामियतुस्सालेहात, बहुत ही शानदार कदम उठाया डॉक्टर साहब ने, इसकी जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी कम है। मैं तो बहुत ही दिल से आभारी हूँ डॉक्टर साहब, आपने बिरादरी के लिए इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया और एक कॉलेज खड़ा किया लड़कियों के लिए, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही इसके लिए शब्द नहीं है मेरे लिए तारीफ करने के लिए आप डॉक्टर साहब के। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। शुक्रिया।